नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही गुणकारी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे। इसका नाम है सोंठ या ड्राई जिंजर। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, आपके घर में ही रहती है। कीमत में तो ये बहुत सस्ती है, लेकिन गुणों में बहुत असरदार है। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आपको इसका पूरा फ़ायदा लेना है तो आपको इसके गुणधर्म क्या क्या है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, इसके सेवन की सही विधि क्या है, इसकी मात्रा कितनी है, इसे कब सेवन करना है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, अदरक और सौंठ ये दोनों एक ही वनस्पति है। अदरक यानी जब इसका कंद गीला रहता है तो इसे अदरक कहते हैं, ये देखिए अदरक है, और जब इसे सुखाया जाता है तो इसे सोंठ कहते हैं। सोंठ यानी ड्राई जिंजर। इसके संस्कृत में बहुत सारे नाम हैं, तो इसमें इसे शुंठी, नागर या विश्व भेषज, विश्व औषध, ये नाम इसके संस्कृत में है। जो विश्व भेषज और विश्व औषध, ये जो दो नाम है, इससे इसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। विश्व भेषज यानी ये जो ये ग्लोबल हर्ब है, ये ग्लोबल मेडिसिन है, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है। इसके बहुत सारे फायदे है। इसके साथ ही इसे संस्कृत में कटुषण या फिर कटुग्रंथि, कटुभद्रा ये भी नाम है। कटु यानी तीखा रस, कटु यानी कड़वा नहीं तो तीखा रस, इसकी वजह से इसके ये नाम पड़े है। इसके साथ ही इसे शतपरवा या कफारी ये नाम भी दिए गए हैं। इसे हिंदी में सोंठ कहा जाता है, मराठी में इसे सुंठ कहा जाता है, और इसका जो इंग्लिश नाम है वो है ड्राई जिंजर। इसका लैटिन नेम जो है, यानी इसका जो साइंटिफिक नेम है, वो है जिंजिबर ऑफिसिनेली। तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे नाम हैं। अब देखते हैं कि इस औषधि के गुणधर्म कौन कौन से हैं। देखिए, आयुर्वेद में सोंठ के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया है। उसमें कहा गया है, नागरम कफवातघ्नम विपाके मधुरम कटु रुष्णोष्णम रोचनम रुद्यम सस्नेहम लघुदीपनम कफा नील हरम स्वर्यम विबंध आनाह शूलनुत कटुष्णम रोचनम रुद्यम वृषम। आयुर्वेद शास्त्र में जब भी किसी वनस्पति के गुणधर्म बताए जाते हैं तो उसका रस, उसका विपाक, वीर्य, मुख्य गुण, शरीर में वात पित्त कफ, इन दोषों पर उसका असर, इन सब के बारे में उसका विचार किया जाता है। और आयुर्वेद चिकित्सक भी ये सब देख के ही बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें देखते हैं कि सोंठ के गुणधर्म कौन कौन से है। तो इसका जो रस बताया गया है वो कटु रस, यानी इसका जो स्वाद है वो तीखा स्वाद है। फिर इसका विपाक मधुर बताया गया है, यानी मीठा विपाक है इसका। जो वीर्य इसका बताया गया है वो उष्ण वीर्य, यानी ये स्वभाव से, प्रकृति से ये गर्म स्वभाव की है। और जो इसके मुख्य गुण बताए हैं वो है लघु स्निग्ध। लघु यानी ये पचने में हल्की है, स्निग्ध यानी इसमें स्निग्धता है। इसके साथ ही दोषों पर इसका क्या असर है तो ये देखते हैं। तो ये कफ का शमन करती है, वात दोष का शमन करती है। शमन करती है यानी अगर किसी के शरीर में कफ और वात दोष बढ़े हुए हैं तो उनको कम करती है, उनको बैलेंस करती है। इसके साथ ही इसका जो मधुर विपाक है उसके कारण ये पित्त का प्रकोप नहीं होने देती। हमें लगता है ये तो गर्म स्वभाव की है तो ये पित्त का प्रकोप करेगी, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये मधुर विपाक के कारण इसके ये संभव है। इसके साथ ही पित्त दोष में जो सामता है उसको कम करती है। सामता यानी आम दोष जो पित्त में है उसको वो कम करती है। तो यहाँ तक तो हो गए कि इसके गुणधर्म कौन कौन से हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसका उपयोग हम किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। सोंठ का जो तीखा रस और उष्ण वीर्य यानी गर्म स्वभाव है उसके कारण वो अग्निदीपन और आम पाचन करती है। अग्निदीपन यानी जो हमारी जठराग्नि, पाचक अग्नि, जो पचन कराने वाला अग्नि है उसको बढ़ाती है, डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करती है, आम पचन भी करती है। आम पचन यानी अगर शरीर में अन्न का ठीक से पचन नहीं हुआ तो जो आम दोष तैयार होता है उसको वो कम करती है। तो देखिए, जिनको अच्छे से भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं होता, तो वो उनके लिए सोंठ एक बहुत अच्छी औषधि है। आज की वीडियो में हम वैसे तो सोंठ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जिनको भूख नहीं लगती उनमें अदरक भी बहुत फायदेमंद है। तो आपने क्या करना है कि अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी लगभग इतना सा टुकड़ा लेके
इसको आपने इसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है और खाने के आधा घंटा पहले इसको अच्छे से चबा चबा के खाना है, तो आपकी जो भूख है वो बढ़ने में मदद होगी, तो ये भी आप कर सकते हैं। सोंठ का जो अगला गुणधर्म है वो है वातानुलोमक शूल प्रशमन। वातानुलोमक यानी क्या, देखिए अगर किसी को पेट में बहुत गैसेस होते हैं या फिर पेट में फुलापन रहता है तो वो लोग सोंठ का सेवन कर सकते हैं। वातानुलोमन यानी ये वात की जो प्राकृत गति है, जो नॉर्मल मूवमेंट है वो बनाए रखती है, तो इसमें आप ले सकते हैं। इसके साथ ही ये शूल प्रशमन है यानी गैसेस बढ़ने के कारण या वात के कारण अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो भी आप सोंठ का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें लेना कैसे है, देखिए आप खाने के आखिर में आयुर्वेद के अनुसार भी छाछ लेना है। आयुर्वेद में बताया गया है भोजन अंते पिबेत तक्रम, तो इस छाछ के साथ ही आप सोंठ का चूर्ण ले सकते हैं। सोंठ का चूर्ण लेना कितना है, तो 1 ग्राम या उससे भी कम मात्रा में लेना है। 1 ग्राम यानी कितना, देखिए अगर आप 1 चम्मच भर के कोई चूर्ण लेते हैं तो छोटे चम्मच से आप जब लेते हैं तो लगभग ये 5 ग्राम का रहता है, तो 1/4 चम्मच यानी 1/4 चम्मच से भी कम मात्रा में आपने इसे लेना है, तो ये 1 ग्राम के लगभग हो जाएगा। तो जो छाछ आप ले रहे हैं उसके साथ मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही ये जो सोंठ है इसे बताया गया है कि ये आमदोष कम करती है, ये द्रवांश का शोषण करती है, तो इसलिए जिन लोगों को बहुत एसिडिटी होती है, बहुत खट्टी डकारें आती है, जी मचलाता है, उल्टी जैसे लगता है, तो वो लोग भी सोंठ का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसे पुरुष संग्राही बताया गया है, यानी जिन लोगों को पतले दस्त होते हैं, जुलाब होते हैं, मोशन के लिए बार बार जाना पड़ता है, पेट में मरोड़ रहती है, तो उनमें ये सभी जो लक्षण है उसको सोंठ जो है वो कम करती है, दर्द को कम करती है, तो ये बहुत असरदार है। इसमें भी लेनी कैसी है, तो खाना खाने के बाद आपने सोंठ का जो चूर्ण है 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम चूर्ण आपने थोड़ा सा हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है, ये एसिडिटी बढ़ती है लेकिन पानी नहीं आता या उल्टी नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा जलन होती रहती है, तो वो लोग आंवले के चूर्ण के साथ भी जो सोंठ का चूर्ण है वो आप ले सकते हैं। 1/2 से 1 चम्मच आप आंवले का चूर्ण लीजिए और उसके साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा सोंठ का चूर्ण उसमें मिक्स करके हल्के गुनगुने पानी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। प्राणवाह स्रोत या रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए भी जो सोंठ है ये बहुत अच्छी औषधि है। अगर किसी को सर्दी हो रही है, नाक में बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ है, आसानी से बाहर नहीं निकल रहा, तो वो लोग सोंठ का सेवन कर सकते हैं। इसमें उन्होंने सुबह सुबह सोंठ और दालचीनी का काढ़ा बना के, इसमें आप थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं, तो उसका सुबह सुबह उन्होंने सेवन करना है। यहाँ तक कि जिन लोगों को बहुत खांसी है, बलगम है, गले में कफ जमा हुआ है, वो भी आसानी से नहीं निकल रहा है, या फिर दमा यानी अस्थमा है, तो वो लोग भी सोंठ का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने 1/2 चम्मच सोंठ का चूर्ण और 1 चम्मच शहद, इन दोनों को मिक्स करके आप खाने के बाद इसे ले सकते हैं। इसमें जो सोंठ है वो भी कफ को कम करती है और जो शहद है वो भी कफ दोष को कम करता है, तो इसका आपको बहुत अच्छा असर होगा। इसके साथ ही कफ के बढ़ने के कारण जिनको सिर में दर्द है, भारीपन है, वो लोग भी सोंठ ले सकते हैं। इसके साथ ही सोंठ का लेप भी वो लोग लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए सोंठ का चूर्ण लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकाना है और ये जो लेप है इसको जितना सहन हो सके उतना ही गर्म आपने सिर के ऊपर लगाना है, तो इससे भी दर्द कम होने में भी आपको बहुत इसका असर दिखाई देगा। सोंठ दर्द को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है, तो जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, सूजन है, खास करके अम्बवात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिन लोगों को है उनके लिए तो एक बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि ये आमदोष को कम करती है, दर्द को कम करती है, वात का अनुलोमन करती है, सूजन को कम करती है, तो ये जितने भी इसके फायदे हैं इन सब के कारण अम्बवात के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। तो लेनी कैसी है, तो हमने जैसे पहले बताया, तो खाने के बाद जो सोंठ का चूर्ण है वो 1/2 चम्मच सोंठ का चूर्ण हल्के गुनगुने पानी के साथ आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके साथ ही ये जो सोंठ का चूर्ण है ये गिलोय के काढ़े के साथ भी आमवात के जो पेशेंट है उनमें ये बहुत फायदा दिलाता है, तो गिलोय का जो काढ़ा है इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, तो उस तरह से आप गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं और इसको फ्रेश बना के लेना है। सुबह खाली पेट 1/2 कप ये काढ़ा और उसमें सोंठ का 1/4 चम्मच चूर्ण डाल के इसको आपने गरम गरम सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। इसके साथ ही जिन लोगों को आमवात है और उनको किसी जोड़ों किसी जॉइंट में जिनको बहुत सूजन है या दर्द है,
तो वहाँ पे सोंठ का पुटअप पाक भी वो कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है, तो इन लोगों ने सोंठ का जो चूर्ण है उसको एरन तेल में भिगो के रखना है। एरन तेल यानी जो कैस्टर ऑयल है, या इसे अरंडी भी कहा जाता है, तो इसके तेल में सोंठ के चूर्ण को भिगो के रखना है। फिर इसको गरम करके उस जोड़ जहाँ पे दर्द है वहाँ पे लगाना है, और ऊपर से जो एरन का जो पत्ता है उसको ऊपर से लगाना है। तो इस तरह लगाने से भी उनका जोड़ों का दर्द बहुत कम हो जाएगा, जो सूजन है वो भी कम हो जाएगी। सोंठ का प्रयोग आप बुखार में भी कर सकते हैं, खास करके शीतपूर्वक ज्वर, यानी जिन लोगों को ठंडी लग के बुखार आता है वो लोग सोंठ का सेवन कर सकते हैं। तो बुखार को कम करने के लिए तो ये मदद करेगी ही, साथ में जो ये पेशेंट है इनका शारीरिक बल बढ़ाने के लिए, उनका अग्नि बढ़ाने के लिए, यानी उनका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करके धीरे धीरे उनका बल बढ़ाने के लिए भी मदद करेगी, उनकी जो थकान है वो दूर करने के लिए मदद करेगी। इसके साथ ही जो शीत पित्त है, यानी कि कभी कभी पित्त के बढ़ जाने के कारण त्वचा पर बहुत खुजली आती है या त्वचा लाल होती है, तो इसकी जिनको तकलीफ है तो वो लोग भी सोंठ का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही सोंठ का एक और गुण है, ये वृष और वाजिकर है, यानी पुरुषों में शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, इसीलिए जितने भी वाजिकरण योग या वाजिकरण औषधि है इसमें सोंठ का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं में प्रसूति के बाद यानी डिलीवरी के बाद वात का प्रकोप ना हो, यानी वात दोष शरीर में ना बढ़े, इसके लिए भी सोंठ का सेवन किया जाता है। तो इसके लिए सोंठ से बना जो सौभाग्य शुंठी पाक है इसका सेवन उन्होंने करना चाहिए, इससे भी उनको फायदा जरूर मिलेगा। देखिए अब तक हमने काफी सारे बीमारियों में सोंठ का प्रयोग कैसे करना है ये देखा। आयुर्वेद में जो आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है उनमें भी काफी सारी दवाइयों में सोंठ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अविपत्तिकर चूर्ण है, या फिर सुदर्शन चूर्ण है, सुखसारक चूर्ण है, या फिर तालिसादि चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवंगादि चूर्ण, चित्रकादि चूर्ण, इन बहुत सारी औषधियों में सोंठ का, इन औषधियों को बनाते समय इनका प्रयोग किया जाता है। अब तो ये तो हो गए सब उपयोग, हमने ये भी देखा कि कब कब सोंठ का सेवन करना है, इसके फायदे क्या क्या है, लेकिन अब ये देखते हैं कि कब इसका सेवन नहीं करना है। तो देखिए जिनको पित्त के बढ़ने के कारण जिनको बुखार है उन्होंने सोंठ का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही जिन लोगों को शरीर में बहुत ज़्यादा जलन है, पेशाब में जलन है, घाव है शरीर पे कहीं, तो उन्होंने जो सोंठ है इसका सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही जो गर्मी का सीज़न है यानी ग्रीष्म ऋतु है तो इसमें भी सोंठ नहीं लेनी है। इसके साथ ही शरद ऋतु यानी जो सितंबर और अक्टूबर महीना है जिसमें स्वभावतः शरीर में पित्त दोष बढ़ता है, इसमें भी सोंठ का सेवन नहीं करना है। तो ये थोड़ी सी सावधानी अपने बरतनी है। इस तरह आज के वीडियो में हमने सोंठ की पूरी जानकारी ली। अगर आप सही तरीके से सही मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो सोंठ है बहुत ही असरदार, बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो आप भी आपके बीमारियों के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं, इसे लेके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।